सी एच थ्री सी एच थ्री और दूसरी तरफ दिया है हमें फास्फोरस टू सी एफ थ्री दिए हैं और यहाँ पे तीन सी एच थ्री मॉलिकूल दिए हैं ठीक ग्रुप्स दिए हैं अब वो बोला है कि दिस इज नॉन पोलर नो दिस इज पोलर दिस इज नॉट ए नॉन पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर ठीक है तो ये है पोलर तो ये है नॉन पोलर अब इसमें ये जो CF3, CF3 है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो एक्जिल पोजिशन पे रहते हैं ठीक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है वो हमेशा एक्सिल पोजिशन पे रहेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स सी एच थ्री पी सी एच थ्री बॉन्ड एंगल आर इक्वल इन दिस मॉलिक्यूल तो सी एफ थ्री ट्वाइस तो ये वाला ट्वाइस है ये तीन यहाँ पे लगे हैं तो पी ये बॉन एंगल इक्वल है बिल्कुल ये बॉन एंगल इक्वल है ये ट्रू है तो वो इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा है इसमें थ्री मिथाइल हैं वन टू थ्री एंड टू सी एफ थ्री है तो इसमें बॉन एंगल ये वाला इक्वल है ये ट्रू है पी एफ थ्री विल बी मोर सोल्यूबुल विल बी मोर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट देन एस आई एफ फोर तो ये स्टेटमेंट भी बेसिकली ट्रू होगी बिकॉज जो पी एफ थ्री है P F 3, ये समथिंग ऐसा होगा विच इज ए पोलर ठीक है सो इट शुड बी मोर सोल्यूबली इन पोलर क्योंकि ये भी एक पोलर है तो वो कह रहा है कि ज्यादा सोलिबल पोलर सोलव में बिल्कुल होगा एस आई एफ हो तो नॉन पोलर में चला जाएगा इसमें वो कम सोल्यूबल होगा तो ये स्टेटमेंट भी ट्र्यू है सो फॉर्स ट्यू ट्रू फॉस ट्यू एंड ट्रू ओके